सहजना की सब्जी बनाने से पहले इन चीजों को तैयार कर ले। लहसुन की कलियां बारीक कटी हुई, हरी मिर्च बारीक कटी हुई, जीरा, तेल, नमक, लाल मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर, अमचूर, हींग और सांबर मसाला स्वाद अनुसार। फूलों और कलियों में से किसी प्रकार के कीड़े मकौड़े और डंडियां अलग कर लीजिए। इनको अब हमें धोना है अच्छी तरह, घुमा घुमा के इसको पानी में धो लीजिए। थोड़ी देर के लिए इसको छोड़ दीजिए ताकि मिट्टी वगैरह जो भी है वो नीचे बैठ जाए, और इसको दो तीन बार करना है। ये हमने निकाल लिए फूल, अब इसमें फिर पानी डाल के हम दो तीन बार इसी तरह से मिट्टी सेटल करेंगे और फिर इसको ऊपर से फूलों को निकाल लेंगे। ये हमने निकाल लिए फूल, अब हम इसको एक ग्लास पानी लेकर के स्टीम देने के लिए गैस पे रखेंगे। इसे अब ढक दीजिए। देखिए ये फूलों की क्वांटिटी कम हो गई है, ये थोड़ा नीचे चले गए हैं। और अभी ये और थोड़े और इसका वॉल्यूम थोड़ा और कम होगा, तो फिर वापस ढक देंगे इसको। इसके बाद हम इसको का पानी स्क्वीज करके बाहर निकाल लेंगे, इस तरह से बॉल्स बना लेंगे। थोड़ा सा कढ़ाई में तेल ले लें, उसे गर्म करें, उसमें आधा चम्मच जीरा डालें और एक छोटी पिंच हींग डालें। इसको गोल्डन ब्राउन तक रोस्ट करें और इसके अंदर हम ऐड करेंगे बारीक कटे हुए मिर्च और लहसुन के टुकड़े। इसको हम पिंक होने तक रोस्ट करेंगे। ज्यादा मसालों का प्रयोग न करें जिससे फूलों की असली खुशबू, स्वाद और पौष्टिकता बनी रहे। अब इसमें जो हमने बॉल्स बनाई थी फूलों को ऐसे मसल के डाल दीजिए और अब फ्लेम लो रखिए। अब इसके अंदर हल्दी पाउडर और मिर्च पाउडर डालिए। ये अभी और जब सिकेगा तो इसका वॉल्यूम और कम होगा, तो जब नमक डालें तो आप 3/4 के हिसाब से नमक डालें। ध्यान रखिए फ्लेम कम ही है। सारे मसाले डालने के बाद इसको अच्छी तरह मिक्स कर लीजिए। और वापस इसको कुछ देर के लिए ढक दीजिए। ढकने के बाद आप देखेंगे 5 मिनट के बाद आप इसे खोलिए, इसमें अमचूर पाउडर डालिए और इसमें सांबर मसाला भी डाल सकते हैं आपको अगर वो स्वाद में अच्छा लगता है तो। इसको धीरे धीरे मिलाइए, आप देखेंगे कि इसके अंदर से थोड़ा पानी जैसा छूट गया है, थोड़ा गीला गीला लगेगा आपको ये फ्लावर्स, तो उसके लिए आपको इसको लो फ्लेम पर ही थोड़ी देर तक घुमाना है और उसके बाद थोड़ी देर के लिए फ्लेम हाई कर दीजिए, तेज कर दीजिए ताकि इसका पानी उड़ जाए और ये रोस्टेड से हो जाए, ऐसा नहीं लगे कि गीले गीले हैं। तो चलाते रहिए हाई फ्लेम पर। स्वादिष्ट और पौष्टिक सहजना के फूलों की सब्जी हमारी तरफ से खास आपके लिए। आइए जानते हैं सहजना के फूलों के कुछ फायदे। नर्सिंग मदर्स के लिए ये बहुत फायदेमंद है, यूरिन के इन्फेक्शन को दूर करने के लिए भी लाभदायक है, वेट को कंट्रोल करने के लिए भी ये फायदेमंद है, इन्फेक्शन को दूर करने के लिए भी फायदेमंद है, लीवर को भी ये मजबूत करते हैं,
और स्किन के लिए भी ये फायदेमंद है। स्किन, थ्रोट और चेस्ट इन्फेक्शन को भी ये दूर करते हैं। पिंपल्स और एक्ने के ट्रीटमेंट के लिए भी ये अच्छे हैं। ये बहुत अच्छे ब्लड प्यूरिफायर है। डाइजेशन के लिए भी ये बहुत अच्छे हैं। तो इसको आप रेगुलरली खाएं और अपने जीवन को स्वस्थ बनाएं।